खेरे से हम ये अल्लाह के फजल करम से नहीं भी ठीक हो। अल्लाह ताला आप सबके खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबकी दिलों की जायज मुरादें पूरी करें। आमीन। तो मालूम जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बना रही हूँ बिरयानी पुलाव, यखनी पुलाव। ये देखिए मेरे घर से बन रहा है। आज हमारे घर में है इफ्तार पार्टी, तो आज जो है इफ्तार पार्टी है। मेरी नंदे वगैरह, मेरी बुआ सास वगैरह आएंगी, तो मैंने आज पार्टी की है। दावत है हमारे घर में आज, तो मैंने ये लहसुन एड कर दिया है इसके अंदर। तो मैंने प्याज ब्राउन किए हैं, ये देख सकते हैं आप प्याज। तो प्याज मैंने जो है गोल्डन फ्राई करके मैंने निकाल लिए हैं। फिर मैंने इसके बाद जो है हरी मिर्चें, टमाटर और खड़ा गरम मसाला मैं एड कर चुकी हूँ। तो बाकी भी मसाले में अब हम आपको दिखा देते हैं। तो ये साबुत धनिया है, वेट कर दूंगी। कुटी हुई मिर्च, ज़्यादा मिर्च नहीं डालूंगी क्योंकि जो है ना बच्चे भी है ना, तो बच्चे खाते नहीं है तेज मिर्च। तो थोड़ा और पिसा हुआ गरम मसाला मैं ऐड करूँगी इसके अंदर, फ्लेवर ताकि अच्छा आए। तो जीरा मैं ऐड करूँगी, अजीना मोटा जो है मैं डाल चुकी हूँ। थोड़ी सी अजवाइन भी मैं डालूँगी। तो अब हम इसके अंदर ये नेशनल का बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे एक पैकेट, इससे जो है फ्लेवर अच्छा आएगा बिरयानी जैसा, बाजार जैसी बिरयानी होती है ना वैसा फ्लेवर आएगा। मैंने पूरा पैकेट ऐड कर दिया इसके अंदर। तो अब हम आपको शाम को मिलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी तेज बारिश हो रही है, माशाल्लाह से अल्लाह की रहमत बरस रही है और बर्फ गिर रहा है, ओले गिर रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखिए इतनी ठंडी ठंडी, सिर्फ 5 मिनट भी नहीं हुए और इतना पानी जो है ना जमा हो गया। देखिए सीढ़ी में, ये देखिए कैसे जा रहा है माशाल्लाह से। अभी थोड़ी देर पहले जो है ना बर्फ़ गिर रही थी। अल्लाह की रहमत बरस रही है ये देखें। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ इंजॉय कराएं थोड़ा सा। तो ये देखिए अभी भी बर्फ़ गिर रही है माशाल्लाह से। देखिए अल्लाह ताला आज बहुत खुश है अपने बंदों से। ओहो, ये देखिए बर्फ गिर रहा है बर्फ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बर्फ। हाथ में ही नहीं आ रहा है, छोटे छोटे ओले हैं। बर्फ गिर रहा है माशाल्लाह से, इतनी प्यारी बारिश हो रही है। ये देखो जैनब जो है ना तैयार हो चुकी है, प्यारी प्यारी मेरी गुड़िया। हाय कर रही है जैनब, हाय करो, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी गुड़िया रानी को ना अभी बोलना नहीं आता। और बानो जो है ना नीचे चली गई तैयार होके। हाय कर दी, ये देखो मैंने खुद ये फ्रॉक स्टिच की थी, ये फ्रॉक दिखा रही है। देखें ये मैंने नए कपड़े पहने, ये कह रही है वो शौक है इनको कपड़े पहनने का, नए नए कपड़े पहनने का। इधर देखो जैनब, आपने नए कपड़े पहने हैं। जैनब आपने नए कपड़े पहने हैं, है? किसने पहनाया आपको? मम्मा ने, मम्मा ने पहनाया। अच्छा, और आपकी फ्रॉक किसने सी है? आपा ने? नहीं, मम्मा ने स्टिच की थी ना, मम्मा ने सी है ना आपकी फ्रॉक। जैनब आपकी फ्रॉक किसने सी है? देखिए व्यूअर्स, हम बना रहे हैं पकोड़े। तो समोसे या कचौरी आती है, देखते हैं क्या लाते हैं। इसके पापा फ्रूट वगैरह लेने के लिए गए हुए हैं अभी, और मेहमान जो है नीचे बैठे हुए हैं। तो मैं पकोड़े जो है फ्राई कर रही हूँ, और चावल जो है ये देखे तैयार है। इसके अंदर जो है मुझे बस चावल ऐड करने हैं। तो मैं जैसे पकोड़े फ्राई करती हूँ फिर मैं चावल भी ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, फ्रूट जो है कट करने लगे हैं सब लोग। मेरी नंदे वगैरह सब आ गई थी और सब लोग जो है फ्रूट कट कर रहे थे, तो मैं शरबत
देख रही थी, मैं ठंडा बर्फ़ वगैरह में डाल रही थी तो मीठा कम लग रहा था, मैंने चखाया था जिसका रोज़ा नहीं था, तो ये ना मीठा में डाल रही हूँ। पकोड़े भी तैयार है, तो सारी का टाइम हो चुका था और हमने जो है दस्तगाह लगा लिया है, सब बैठे हुए हैं, शरबत चटनी समोसे वगैरह, ये मेरे साथ जो है समोसे डालिए, समोसे थोड़े जो है लेट आए थे तो तैयार नहीं थे ना इस वजह से, तो सब बैठे हुए हैं, दुआ कर रहे हैं, अजान का इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम इफ्तारी करने लगेंगे। बस अजान होने वाली थी, हम इंतज़ार कर रहे थे अजान का, तो ये बिरयानी है, खाना भी लगा चुकी थी, तो खाना मैंने देर से लगाया था 9 बजे तक, तो ये बिरयानी भी तैयार है। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यूँ हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल।